आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडल्स एवं आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा था और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बनाया था। आज उसी आर्गुमेंट और मॉडल्स के आधार पर एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं वही पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को देखेंगे। पोलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि आप एक कोऑर्डिनेट फ्रेम की बात करते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है पी जेड, इस पॉइंट तक आप जेड क्या वो आप समझ पा रहे हैं, जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई। इस पॉइंट तक पहुंचने का दो रास्ता, इस पॉइंट तक पहुंचने का दो रास्ता है। एक रास्ता क्या है, आप यहां से एक डाले परपेंडिकुलर, मान लेते हैं डाले हैं परपेंडिकुलर पी एम, तो पी एम अगर डालेंगे तो ये ओरिजिन ऑफ रेफरेंस ओ है, तो यहां पे अगर आप खड़े हैं और आपको इस पॉइंट तक जाना है तो एक रास्ता है कि आप यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस कवर करें और फिर यहां से ले यहां से इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको वाई डिस्टेंस कवर करना है तो आप इस पॉइंट पी तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। इधर चलेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स, फिर चलेंगे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए इसको कार्टिजन फॉर्म कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टिजन फॉर्म है ये कार्टिजन फॉर्म कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन अब इसे हमें पोलर फॉर्म बदलना है। पोलर फॉर्म इस क्या हुआ कि अगर इस पॉइंट पर आप हैं और आपको इस पॉइंट पे जाना है तो अगर डायरेक्ट यहां से इसको ज्वाइन कर दें तो कुछ ना कुछ यहाँ एंगल तो बन रहा होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो एंगल थीटा बन रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ से चलना शुरू करें और चलते 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 अगर आर डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पर हम पहुँच जाते हैं तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाते हुए आर डिस्टेंस अगर कवर करेंगे तो भी इस पॉइंट के पास पहुंच सकते हैं। तो ये आर और थीटा के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर ही उसको हम लोग पोलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। तब आर और थीटा के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं सो देख लीजिए। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ पी एम, इस ट्रायंगल की बात अगर करें हम तो आप देखिए ये आपको आर क्या है, ये ओ पी जो है वो अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर है, ये ओ एम जो है आपका वो एक्स है तो एक्स स्क्वायर हुआ, ये जो पी एम है आपका वाई है तो वाई स्क्वायर हुआ, ये ओ पी जो इसको आर माने हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो यही आर आपका मॉड जेड कहलाता है, यानी कि आर जो है यहाँ कुछ और नहीं बल्कि मॉड जेड है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है। तो इस तरीका से हम आर निकाल सकते हैं। फिर देखिए क्या करते हैं, ये जो थीटा आप यहाँ देख रहे हैं ये थीटा कुछ और नहीं बल्कि आपका आर्गुमेंट जेड है। थीटा क्या है, आर्गुमेंट जेड है। और आर्गुमेंट जेड निकालने का अलग अलग फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे अगर ये फर्स्ट केस का अगर हम लोग देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो इस क्वाड्रेंट में अगर थीटा हम निकालना चाहें तो वो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वाई बाय एक्स होगा। तो टेन थीटा बराबर अगर वाई बाय एक्स होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स हो जाएगा। वैसे इसका चार अलग अलग फॉर्म भी हमने आपको बताया है। तो जिस क्वाड्रेंट में रहेगा
थीटा उसके अनुसार आर्गुमेंट का फॉर्मूला लगा करके आपको थीटा निकाल लेना है। तो मान लीजिए आप थीटा भी निकाल लिए और आप आर भी निकाल लिए हैं, तो ये दोनों निकालने के बाद अब क्या करते हैं सो देखिए, उसी ट्रायंगल में लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल ओ पी एम, अगर साइन थीटा का प्रयोग करें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, यानी पी एम बाई ओ पी, तो वाई अपॉन ये होगा ना। मान लीजिए ये आपको पी एम है तो ये क्या है, ये ओ पी है, यानी ये वाई है तो ये आर है। तो थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, साइन इन्वर्स करके चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो या फिर अगर चाहते हैं यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। वाई अगर निकालना हो तो आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा। तो वाई का वैल्यू आपने निकाल लिया, फिर क्या करते हैं, अगर कॉस थीटा निकालना हो तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन आर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम एक्स निकालना चाहें तो आर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस एक्स का जो वैल्यू निकला है और ये जो वाई का वैल्यू निकला है, अगर इस दोनों वैल्यू को इस जेड वाले फॉर्म में डाल दें, मतलब कार्टिजन फॉर्म में अगर डाल दें, लिखेंगे हैंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यही है ना। इसमें एक्स का वैल्यू यहाँ से डालिए तो आर कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू यहाँ से डालिए तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये जो जेड का आपको फॉर्म मिला है, या इसको एक बार और लिख लीजिए, अगर इसमें से आर आप कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा कि नहीं। तो ये जो आपको फॉर्म मिला है, ये आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये क्या है, ये पोलर फॉर्म कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो है ये पोलर फॉर्म होता है, और इसी को याद रखना है कि कार्टेशियन फॉर्म में जेड का वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और अगर उसी को पोलर फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें आर क्या है, आप जान रहे हैं मॉडुलस है, थीटा क्या है आप जान रहे हैं आर्गुमेंट है। तो जब ये दोनों जान रहे हैं तो दोनों निकाल के अगर इस जगह पे पुट कर दें तो आपको पोलर फॉर्म निकल जाएगा। इसको नोट करिए, एक्सरसाइज 10.3 में जो चार नंबर का क्वेश्चन है, वो चार नंबर का क्वेश्चन यही है कि एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। एक उसमें दो नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आयोटा, वन प्लस रूट थ्री आयोटा को जो है हमें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला काम r और थीटा हमें चाहिए, तो लिखेंगे एट फर्स्ट r जो है वो मॉड z होगा, और ये कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री, तो ये आपको हो जाएगा अंडर रूट फोर जो कि हो जाएगा टू, नहीं होगा, आर का वैल्यू निकल गया। फिर देखिए यहाँ पे एक्स जो है ये वन है और ये भी पॉजिटिव है, ये एक्स होता है, ये वाई जो है ये आपको रूट थ्री है, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों जब पॉजिटिव है इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, ये लिखेंगे देयरफोर जो थीटा है वो आपको आर्गुमेंट जेड होगा, और आर्गुमेंट जेड का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी कि टेन इनवर्स रूट थ्री अपॉन वन होगा, यानी रूट थ्री ना हो गया, और रूट थ्री टेन कितना का वैल्यू, तो टेन पाई बाय थ्री हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स टेन अगर हट जाए तो यहाँ से पाए अपॉन थ्री निकल जाएगा, यानी थीटा का जो वैल्यू है ये पाई अपॉन थ्री मिल गया, आर का वैल्यू जो है आपको यहाँ से टू मिल गया। तो आर और थीटा आप जान गए ना,
लिखेंगे हैंस पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें आर का वैल्यू कितना 2, तो 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहीं पे लाके इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसको फिर जब सॉल्व आप कर देंगे तो आपको फिर से यही चीज़ मिल जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करना है। आंसर को इसी फॉर्म में 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 के फॉर्म में छोड़ देना है। ये पाई बाई 3 क्या समझ रहे हैं ना, पाई मतलब पाई रेडियन, पाई मीन्स पाई रेडियन बताएंगे ट्रिगो में, और पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो जिसमें 3 से आप डिवाइड अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो रूट 3 होता है, इसीलिए यहाँ पर रूट 3 की जगह पर हमने टेन पाई बाई 3 लिखा था। और ये प्रॉपर्टी भी आप लोग को बताए हुए पीछे वाली क्लास में कि टेन इनवर्स टेन थीटा जो होता है वो थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा होता है। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ये टेन इनवर्स टेन थीटा आपको 12 का टॉपिक है, जब 12 में चलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वहाँ है उसमें जब जाएंगे तब वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे टेन इनवर्स टेन थीटा क्यों थीटा होता है, इसका प्रूफिंग पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स टेन थीटा जो है वो थीटा होता, मतलब यहाँ का जो एंगुलर पार्ट है वो बाहर निकल आएगा, इसीलिए जब टेन इनवर्स टेन पाई बाई 3 यहाँ पर है तो यहाँ से पाई बाई 3 बाहर निकल गया है। क्वेश्चन 4 का 4 नंबर है कि लेट जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसे हमें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, करियो तो एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्स आपको 1 है जो कि पॉजिटिव है, वाई माइनस 1 है जो कि निगेटिव है। लिखेंगे एट फर्स्ट आर निकालेंगे जो कि मॉड जेड होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू रूट 2 निकल गया आपका। फिर लिखेंगे ऑल्सो थीटा जो होगा वो थीटा आपको आर्गुमेंट जेड होगा, और अगर आप गौर से देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर इसका लगाएंगे तो ये माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स होता है, तो माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स होगा, यानी कि थीटा आपको हो जाएगा टेन इनवर्स वाई का वैल्यू कितना माइनस वन, एक्स का वैल्यू 1, यानी कि टेन इनवर्स माइनस 1 का मॉड 1 हो जाएगा, और 1 टेन कितना का वैल्यू होता है, ये 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, 45 डिग्री होता है, 10 45 का मान 1 होता है जिसको पाई बाय 4 के रूप में लिखेंगे। तो ये टेन इनवर्स 10 अगर हट जाएगा तो पाई बाय 4 बाहर निकल आएगा, यानी आप थीटा भी जान गए, आप आर भी जान गए। तो जो ही आप ये दोनों जान गए तो क्या लिखेंगे कि हेंस पोलर फॉर्म जो इसका होगा, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। अगर इसमें आर का वैल्यू पुट करें तो ये होगा रूट टू कॉस माइनस, आपको यहाँ मिस हो रहा है ये माइनस, नहीं ये वाला माइनस आपका मिसिंग जा रहा है, तो माइनस आगे में अगर देते हैं तो ये माइनस पाई बाय 4 हो जाए, होगा कि नहीं, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 4 होगा। तो कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। और एक फार्मूला अगर यहाँ आप लगा दें कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा जो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये फार्मूला लगा के इसे छोड़ देना है, और यही जो नीचे में आपको मिला ये आपको फाइनल आंसर हो गया। रूट टू इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर दो फार्मूला यूज़ किए हैं, वो फार्मूला है आपका, वो ट्रिगो का फार्मूला है, आपको याद रखना ये सब फार्मूला, ट्रिगो का फार्मूला है ये,
कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, जब ट्रिगो में चलेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चार का जो आठ नंबर क्वेश्चन है कि वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा, वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा, इसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में इसे हमें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले अगर इसको लेट कर लें कि लेट z इज इक्वल टू, तो वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा होगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम करेंगे कि r निकालेंगे जो कि मॉड z होगा, और मॉड z अगर होगा तो वन प्लस थ्री आयोटा का मॉड, वन माइनस टू आयोटा का मॉड। आपको बताए थे कि मॉड को ऊपर और नीचे आप शिफ्ट कर सकते हैं, वन प्लस थ्री आयोटा का मॉड ऊपर में और वन माइनस टू आयोटा का मॉड नीचे में, कर सकते हैं इस तरीका से। तो ऊपर का मॉड अगर लेंगे तो वन स्क्वायर वन थ्री स्क्वायर नाइन, और नीचे हो जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये ऊपर में हो गया अंडर रूट टेन और नीचे हो गया अंडर रूट फाइव, तो जब कैंसिल होगा तो ये रूट टू यहाँ बच जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना निकला? आर का वैल्यू निकला रूट टू। अब क्या करते हैं, ऑल्सो थीटा निकालेंगे, थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? आर्गुमेंट जेड होगा, और आर्गुमेंट जेड अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे आर्गुमेंट वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा। तो आर्गुमेंट निकालने का प्रॉपर्टी एक बताए थे आप लोगों को, डिवाइड वाला टर्म माइनस होता है। तो अगर यहाँ पर वो फॉर्मूला आप लगा दें कि आर्गुमेंट वन प्लस थ्री आयोटा माइनस आर्गुमेंट वन माइनस टू आयोटा, कर सकते हैं इस तरीका से। अगर गौर से देखें तो यहाँ ये दोनों प्लस है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव अगर है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट का आपको लग जाएगा फॉर्मूला, और क्वाड्रेंट फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेंट फर्स्ट का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स मॉड y बाय एक्स, तो थ्री बाय वन। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये x पॉजिटिव y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। कैसे लगेगा फॉर्मूला? माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। तो ये माइनस जो है फॉर्मूला से जो आया है वो इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, यानी थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स थ्री, और माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स टू हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस टू का मॉड क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। अब देखिए इस थ्री और टू दो में से अब किसी का वैल्यू नहीं जान रहे, तो नहीं जान रहे तो यहाँ एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। वो फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो ये आपको हो जाएगा टेन इनवर्स फाइव, ऊपर में हो गया फाइव नीचे हो गया वन माइनस सिक्स, तो माइनस फाइव होगा। तो कैंसिल आउट अगर हो गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन, और माइनस वन टेन कितना का वैल्यू होता है? इसको टेन पाई बाय फोर आप लिख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर का वैल्यू कितना? वन। तो इस माइनस को अगर आप अंदर लेके चले जाएं तो ये आपको हो जाएगा टेन माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि एक फॉर्मूला भी पीछे बताए थे कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो इस माइनस को अंदर ले जाने का टेक्निक है कि आप इस माइनस को इस फॉर्मूला के द्वारा अंदर लेके चले जाएं। तो ये टेन इनवर्स टेन जब हट जाएगा तो यहाँ से माइनस पाई बाय फोर आपको बाहर निकल आएगा, और यही आपको क्या होगा? थीटा होगा। अब थीटा भी जान गए, आर भी जान गए, तो लिखेंगे कि हेंस पोलर फॉर्म जो होगा, पोलर फॉर्म ऑफ जेड ये हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, होगा कि नहीं? इसमें आर का वैल्यू कितना डालेंगे? आर का वैल्यू है रूट टू, उसके बाद डालेंगे कॉस माइनस पाई बाय फोर प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस पाई बाय फोर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर लगा देना है आपको कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है,
और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो नीचे में आपको मिला है यही आपको इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ किए हैं, इस फार्मूला को बगल में कहीं आप लोग लिख लेंगे, इन्वर्स में ये फार्मूला बताएंगे। ये फार्मूला है कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला याद रखना है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, तो एक्स प्लस वाई ऊपर में और नीचे वन माइनस एक्स वाई होता है, दोनों को प्रोडक्ट करके वन माइनस के साथ लिखते हैं। ये फार्मूला याद रखना है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला है। तो जब चलेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में तब इस फार्मूला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। किसी से नाम एक क्वेश्चन है फाइव नंबर का, ये फाइव नंबर क्वेश्चन है कि टू जेड माइनस वन का मॉड ये इक्वल है जेड माइनस टू के मॉड के। तो कह रहा है शो करिए कि मॉड जेड का वैल्यू वन हो जाएगा। लेट कर लेना एक्स, लेट कर लेना है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस जेड के वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, टू इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मॉड, इधर हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू का मॉड। इसका अगर रियल पार्ट देखें तो ये टू एक्स, अगर टू से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू एक्स, और ये माइनस वन ये रियल पार्ट होगा, और टू से जो मल्टीप्लाई करेंगे टू वाई इंटू आयोटा, टू से जो मल्टीप्लाई करेंगे टू वाई इंटू आयोटा, तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा। जान करके अलग अलग कर दिए, रियल पार्ट अलग कर दिए, इमेजिनरी पार्ट अलग, एक स्टेप जंप कर गए हैं, रियल अलग इमेजिनरी अलग कर दिए हैं। इधर अगर देखें इसका रियल पार्ट तो ये एक्स माइनस टू होगा, और ये प्लस आयोटा वाई जो है ये आपको इमेजिनरी पार्ट होगा। अब अगर मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे ना होगा। इधर भी हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है ताकि ये स्क्वायर रूट क्या हो जाए, हट जाएगा आपको। तो ये आपको 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होगा, ये वाला टर्म है ये। इधर अगर चलते हैं तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अब इसको भी a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b होगा कि नहीं, अब प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, बगल में ये 4y स्क्वायर आपको है ही। दाईं तरफ चलिए, यहाँ भी तोड़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 ए भी करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और बगल में आपको प्लस वाई स्क्वायर है ही। तो गौर से अगर देखें तो माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, और माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो माइनस 4x, तो ये और ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो एक्स वाई का टर्म है उसको इधर लाइए, जैसे कि 4x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये 4y स्क्वायर है, इस y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस y स्क्वायर होगा। दाईं तरफ आपको ये 4 बच रहा है, और इस प्लस 1 को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 1 होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये 3x स्क्वायर होगा, और 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये 3y स्क्वायर होगा, और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो अगर इस 3 को आप कॉमन लेते हैं तो 3 जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और दाईं तरफ क्या है आपको, तो ये 3 अगर कैंसिल हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे हम स्क्वायरिंग किए थे बोथ साइड, वैसे ही अगर इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर लें, लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर इधर लेते हैं तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट दाईं तरफ भी लेंगे। तो ये जो फॉर्म आपको है, अगर याद है कि जेड अगर ये आप माने हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉड जेड क्या होगा, यही ना होगा, यानी कि मॉड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का रूट 1, और यही ना प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये आपको एक टाइप का क्वेश्चन है और ये सभी एक ही तरह से बनता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं जरा उसे देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है कि a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d ये x प्लस आयोटा y के इक्वल है और कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हुआ पहला नंबर में। तो अगर ये आपको आपस में बराबर है तो इसका कंजुगेट अगर लेंगे, लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ अगर इसका कंजुगेट लें तो कंजुगेट का साइन ये बड़ा वाला साइन होता है। तो ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी के ऊपर में एक लाइन मार देंगे और इधर भी क्या होगा x प्लस आयोटा y के ऊपर में एक लाइन मार देना है। तो इधर कंजुगेट लिए तो उधर भी कंजुगेट लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद कंजुगेट अगर लेते हैं तो उसको आप पहले कंजुगेट लेकर के यानी a प्लस आयोटा b का कंजुगेट और c प्लस आयोटा d का कंजुगेट सेपरेट कर सकते हैं और इधर x प्लस आयोटा y का कंजुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा y होगा। यहाँ भी कंजुगेट का अगर आप काम करेंगे तो ये a माइनस आयोटा b होगा और ये c माइनस आयोटा d होगा और इधर तो x माइनस आयोटा y हो ही गया। तो अगर आप गौर से देखें तो यही प्रूफ करना था 6 का जो एक नंबर क्वेश्चन था उसमें कि अगर ये दिया हुआ है तो ऐसा होगा, यानी कि कंजुगेट लेकर के आपको सारा काम कर लेना है, दो ही तीन स्टेप में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन तो आपको यही है कि a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जैसे कि कंजुगेट लिए थे वैसे ही यहाँ मॉडुलस लेना है, लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं मॉडुलस लेते हैं। तो पहले ओवरऑल मॉडुलस लेते हैं a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d का मॉडुलस और x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस, इस तरीका से होगा। ये मॉडुलस क्या होगा दोनों में बंट जाएगा, सेपरेट कर देते हैं a प्लस आयोटा b का मॉडुलस c प्लस आयोटा d का मॉडुलस और इधर का फॉर्मूला क्या लगेगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वैसे ही इसका भी अगर लगा है फॉर्मूला अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट मतलब हुआ आई में किससे गुना है, आई का जो कॉफिशियंट होता है वो लेते हैं। इसमें अगर देखें इसका रियल पार्ट तो सी है तो सी स्क्वायर होगा, इमेजिनरी पार्ट तो आई का कॉफिशियंट क्या है डी है तो डी स्क्वायर होगा और इधर जो आप देख रहे हैं उसको रिपीट करना है। अब इस स्क्वायर रूट घटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर लेना है, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आपका रूट हट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। और यही आपको प्रूव करने के लिए दो नंबर में था कि अगर ऐसा है तो ये इक्वल होगा दर्शाइए। तो ये मॉडुलस का सवाल है, अगर बीच में प्लस स्क्वायर हो और बीच में प्लस आ जाए समझ लेना है कि यहाँ पर मॉडुलस की बात हो रही है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसी फॉर्म अगर साइन बदल दे इसका मतलब है कि यहाँ कंजुगेट की बात हो रही है।